नमस्कार, दी अर्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अजरावत। आज उस महान शख्सियत की पुण्यतिथि है और उस महान शख्सियत को 30 सालों के बाद भी उसी तरह विपक्ष हो चाहे पक्ष हो आज भी उसी तरह याद करते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी, जिन्होंने 27 वर्ष जम्मू कश्मीर वित्त मंत्रालय संभाला। उनकी बेटी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह से आज पुण्यतिथि, किस तरह से आप श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे? श्रद्धांजलि उनके लिए यही है कि जैसा अपना उन्होंने जीवन बिताया उसमें से अगर हम थोड़ा सा भी 10% भी फॉलो कर लो तो वो असली श्रद्धांजलि होगी। मैम, उनका एक इस तरह का अंदाज था काम करने का कि वो किसी को भी निराश नहीं करते थे। जब स्कूल में थे तब भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन जब चला था भारत के लिए तब भी उन्होंने बड़ा एक अपना रोल अहम निभाया था। लेकिन आज का जो सिस्टम, जो दौर जम्मू कश्मीर की बात करें या देश की बात करें, थोड़ा सा विपरीत चल गया है। मैम, क्या समझते हैं आप इस दौर जो ये चल रहा है? देखो, हर सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है सब लोगों में भी चेंज आते हैं। प्रायोरिटीज़ लोगों की चेंज हो जाती है, पर उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी लोगों के लिए काम करना, खासकर गरीब लोगों के लिए। उनके पास कोई आ जाता था, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये ऑपोजिशन का आदमी है कि हमारी पार्टी का आदमी है, या किस जात का है, किस क्लास का है। जिसने जो काम किया, कोशिश करने की, पूरी कोशिश की उसका पूरा करें। कई दफ़ा तो ये होता था सेक्रेटेरिएट में कई लोग आते थे, कहते जी हमारी फलानी जगह पे फाइल रुकी हुई है, वो अभी आगे नहीं हो रही। तो ये अपने उठते थे तो क्लर्क के पास भी चले जाते थे कि भैया एक गरीब आदमी है, क्यों इसकी फाइल रोक के रखी है, आप इसको ज़रा जल्दी प्रोसेस कीजिएगा। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि कोई भी आए उसके साथ उठ के कहीं पे भी चलना हो तो चल पड़ते थे उसका काम करा। जिस तरह से उनका एक यही स्वभाव था कि हर किसी को साथ लेकर चलना है, लेकिन आजकल जो इस समय जम्मू कश्मीर की जो स्थिति बनी है, कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर युवा भी आतंक की राह पर चल पड़े हैं, गन कल्चर अपना लिया है, तो आप उन युवाओं के लिए क्या कहेंगी कि जो जिन्होंने ये गल कल्चर को अपनाया है और कश्मीर का माहौल इस समय जो है वो बड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है? अंदरूनी देखें, कोई नहीं चाहता कि ये गल कल्चर चले, टेररिज्म चले। कुछ हमारे बच्चे हैं जो स्ट्रे हो गए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आइए वापस, गन कल्चर छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप देखिए कैसे खुशहाली आती है। हम छोटे छोटे होते थे, इतना टूरिस्ट आता था कश्मीर में कि वहाँ पे लहर भहर लगी रहती थी। अगर टूरिस्ट आएगा तो लोग कमाएंगे, शिकारा वाला कमाएगा, हाउस बोट, होटल्स, दुकानदार, सभी का फ़ायदा है उसमें। अगर ये गन करेंगे आप सब लोगों को डिप्राइव कर रहे हो अपनी रोज़ी रोटी से। गन कल्चर छोड़ के आप वापस आइए, देखिए कैसे उन्नति होती है कश्मीर में। आप मेन स्ट्रीम में आइए, आप भी खुश रहेंगे, सब जने खुश रहेंगे। तो आपको मैम आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि उन श्रद्धांजलि तो हर वर्ष इस तरह उनको दी जाती है, तो आपको क्या एक आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो आपसी भाईचारा की बना रहे और उनको वो जो सही श्रद्धांजलि है वो उनको दी जा सके? सही श्रद्धांजलि तो यही हुई कि उनके लिए कि सब लोग मिलजुल के रहें, कोई भेदभाव ना हो और सब खुशी से एक दूसरे का साथ दे के अपना आगे बढ़ते चले। ठीक मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने सुना, ये उनकी बेटी थी हमारे साथ और उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो सबको साथ लेकर चलना सिखाया था और उनको इसीलिए यही वजह है कि आज भी उनको याद किया जाता है। यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे बीजेपी हो चाहे और किसी दल के नेता हो, वो आज यहाँ पर पहुँचे, उनको श्रद्धांजलि समर्पित की। तो यही इनका भी अपील है कि कश्मीर में जो गन कल्चर युवाओं ने जिन्होंने अपनाया है वो उस गन कल्चर को छोड़ें और शांति की तरफ आएँ ताकि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में फिर से शांति बहाली हो सके। कैमरामैन शिवाजी के साथ अमित अजरावत।